IPL खत्म होते ही भावुक हुआ दुनिया का धाकड़ गेंदबाज, बयां की मन की टीस, बोले। IPL 2018 खत्म होते ही दुनिया के एक धाकड़ गेंदबाज ने अपनी जिंदगी का वो राज खोला जिसे सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में रफ्तार के 100 डागर कहे जाने वाले बॉलर ब्रेटली की। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और ग्लोबल हियरिंग एम्बेसडर ब्रेटली अमृतसर स्थित श्री गुरुवार रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ में पहुंचे। यहां उन्होंने अपने संबोधन में अपनी जिंदगी से जुड़ी एक दर्दनाक घटना का उल्लेख किया। वह यहां न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग UNHS कार्यक्रम के संदर्भ में जागरूकता सेमिनार में शामिल होने आए थे। पीली रंग की दस्तार सजाकर पहुंचे ब्रेटली का यहां जबरदस्त स्वागत किया गया। ब्रेटली ने बताया कि जिंदगी में एक बार उनके सामने ऐसा वक्त भी आया जब वे बेबस हो गए थे। ब्रेटली ने बताया कि इसकी वजह था उसका बेटा प्रेस्टन। प्रेस्टन जब 5 वर्ष का था तो ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई थी। इस हादसे में उसके एक कान की हड्डी क्षतिग्रस्त हुई। सिर की चोटों का तो उपचार हो गया लेकिन उसके सुनने की क्षमता चली गई। बात करने पर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ब्रेटली ने कहा यह उनकी जिंदगी का बहुत ही दर्दनाक वक्त था। ब्रेटली ने बताया कि प्रेस्टन की सुनने की शक्ति 8 माह बाद अचानक अपने आप लौट आई। तब मैंने सोचा कि सुनने की क्षमता कितनी जरूरी है और इसके न होने से दुनिया में न जाने कितने लोग दर्द झेल रहे होंगे। मुझे लगा कि ऐसा दर्द झेलने वालों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। इस दिशा में काम करते हुए ही उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की। ब्रेटली ने बताया कि दुनिया भर में 46.60 करोड़ लोग हैं जो सुन नहीं सकते। इनमें 3.40 करोड़ बच्चे शामिल हैं। यदि छोटी उम्र में बच्चा रिस्पांस नहीं देता तो उसकी जांच करवाना जरूरी है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यह मेरी भी जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों व बच्चों के लिए काम करूं। नवजात शिशुओं की हियरिंग लॉस स्क्रीनिंग माँ बाप को जरूर करानी चाहिए। ब्रेटली ने बताया कि केरल भारत का पहला राज्य है जहां 66 सरकारी केंद्रों में बच्चों की हियरिंग स्क्रीनिंग होती है। पंजाब सहित भारत के सभी राज्यों को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। यूनिवर्सिटी के एडिशनल सचिव डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि पंजाब में न सुनने वाले लोगों की संख्या 1.46 लाख से ज्यादा है। अब श्री गुरुवार रामदास इंस्टीट्यूट SDRD में जन्म लेने वाले बच्चों की हियरिंग लॉस स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि कोई बच्चा सुनने में अक्षम मिला तो कॉकलियर इम्प्लांट प्रत्यारोपित किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिख इम्प्लांट के लिए ग्रांट देने की अपील की गई है। श्री गुरुवार रामदास इंस्टीट्यूट में रविवार को 2 बच्चों के कॉकलियर इम्प्लांट के ऑपरेशन फ्री किए गए हैं। डॉक्टर SP दुबे ने कहा कि हियरिंग लॉस का कारण आनुवांशिक है, वहीं कॉकलियर इम्प्लांट चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में हुए सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में से एक है। यह ऐसी विधि है जो 5 इंद्रियों से एक को पुनः स्थापित कर सकता है। शुरुआती दौर में यदि बच्चों को इम्प्लांट लगा दिया जाए तो वे सामान्य जीवन जी सकता है। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना क्रियान्वित की है जो वरदान साबित हो सकती है। इसके तहत केंद्र सरकार इम्प्लांट के लिए 5 लाख रुपए जारी करती है, वहीं राज्य को इसमें 1,48,000 रुपए का योगदान देना पड़ता है। पंजाब सरकार भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना हिस्सा देगी।